छोटा सा एक छोटा सा अपडेट है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो हमारा ग्लोव बॉक्स है ना, ये जनरली इसमें एक प्रॉब्लम होती है, खासकर हमारी पुरानी गाड़ियों में। क्या है कि इसके जस्ट पीछे हमारा रहता है आपका रिले, जो आपको दिख रहा है रिले कंपार्टमेंट। तो एक्चुअल में क्या है कि जब भी आप रिले का कोई भी काम कराएं, कहीं पे भी मेक श्योर जहां पे भी काम कराए ना, तो जब भी आप ग्लो बॉक्स चेक करें, या आपकी अभी भी गाड़ी आपके पास है तो अगर आपको चेक करना हो, मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या है कि ऐसे ऐसे करना है, अगर वो फ्री नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा कि कहीं पे आपकी उस रिले से तो ये नहीं टकरा रही। बहुत सारी गाड़ियों में यह प्रॉब्लम देखा गया है कि अगर ये रिले टकराती है आपके ग्लव बॉक्स से, तो आपके बहुत सारे रिले में और फ्यूजर्स के प्रॉब्लम आते हैं, साथ में शॉर्ट सर्किट के भी प्रॉब्लम आते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा कि ये रिले कि जितने बॉक्सेस हैं, ये एक्चुअल में एक कंपार्टमेंट है, एक पतली सी पट्टी है, पट्टी के ऊपर ही सभी रिले को आपस में कनेक्ट किया गया है। तो उसी कनेक्शन में कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉपर नहीं फिट करते, एक तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारे इस ग्लो बॉक्स से लड़ता है। और जब भी आप बंद करते हैं, खोलते हैं, और ये आपके वाइपर मोटर से होता है। मेरे को बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछे हैं, हमारा वाइपर मोटर ख़राब हो गया, वाइपर मोटर ख़राब हो गया, तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं उस रिले से, क्योंकि वो कनेक्शन बार बार लूज होता है। वैसे बहुत प्रॉपर कनेक्शन होता है हमारे रिले का और जो कनेक्शन होता है कपलर का, पर जब जो उसमें धक्का लगते लगते नीचे के जो पिंस हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये बहुत छोटा सा अपडेट है, बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, पर सच में मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें मेरे में ये धक्का लगता था, ये एक्चुअल में अभी ये क्या है, नीचे वो नट लगा नहीं, मैं आपको दिखाता, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक पड़ गया था, मतलब जो रिले होती है आपकी, जो रिले होती है उसके दाग लग गए थे। और इस ग्लव बॉक्स को हमेशा एक ध्यान दीजिएगा कि हमेशा फ्री है, अगर ये फ्री नहीं है तो कहीं से इसी के नीचे हमारी मेन वार्निंग हार्नेस होती है। तो अगर ये फ्री नहीं है तो मतलब आपकी वार्निंग हार्नेस या कोई वायर इसे टकरा रहा है, तो ये हमेशा फ्री होना चाहिए। अगर वो टकराया तो कहीं ना कहीं आपकी वायरिंग लड़ रही है, कुछ लग रही है, धीरे धीरे लगते लगते वो कट जाएगी और शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, कंपोनेंट खराब हो सकते हैं, कुछ भी खराब हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा ये फ्री रहे। ये देख रहे हो आप, उधर रखो तो ये मतलब आपको खुद ही फील होगा कि अभी कुछ लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, पहले लड़ता था। तो बस इसी का ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, ये बहुत ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया।